आज का हमारा जो नया टॉपिक है जिस पर हम देखने वाले हैं कि बिना नाम के फोल्डर कैसे बनाते हैं और ना दिखाई देने वाला फोल्डर कैसे बनाते हैं, दोनों चीज हम एक साथ सीखेंगे, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं ना दिखाई देने वाला फोल्डर और बिना नाम के फोल्डर। सर्वप्रथम है फोल्डर बनाने के लिए दो तरीके आपके पास हैं, ठीक है। पहला तो आप यहां से राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे आपको न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इस न्यू वाले ऑप्शन पे आप आएंगे, यहां पे आपको फोल्डर दिखाई देगा, ठीक है। इस फोल्डर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करूंगा, जिससे आपको फोल्डर बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जूम करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। जी आप यहां आ चुके हैं, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, यहां से आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू फोल्डर में आएंगे, यहां फोल्डर ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, या आप यहां पे एक शॉर्टकट होती है, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं, इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो एक शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जैसे आप दबाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। जी देखिए आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है। ना दिखाई देने वाला फोल्डर हम पहले बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। रीनेम करने के लिए एक शॉर्टकट होती है F2, या तो आप F2 दबा दीजिए या तो राइट क्लिक करके आप रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या शॉर्ट की F2 दबा दीजिए, ऐसे आप सेलेक्ट करके रखिए, F2 दबा देंगे, जैसे आप F2 दबाएंगे रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा आपको यहां पे। तो आप एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे जिसका नाम है Alt के साथ 0160 प्रेस करेंगे, और जैसे ही प्रेस करके एंटर करेंगे आपका जो फोल्डर होगा बिना नाम के तैयार हो जाएगा। ये देखिए आपका फोल्डर बिना नाम के हो चुका है ऐसा, और हम चाहते हैं कि ये फोल्डर ना दिखाई दे हमको, जब चाहे दिखाई दे जब चाहे ना दिखाई दे ऐसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहां पे एक कस्टमाइज कर, आप जस्ट राइट में जाएंगे तो आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको चेंज आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस चेंज आइकन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक चेंज आइकन फॉर फोल्डर का एक विकल्प आएगा, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा, उसमें आपको ढूंढना क्या है कि ना दिखाई देने वाला फोल्डर कैसा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक एरिया होते हैं, उस ब्लैंक एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहां से जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो हमको हमारा फोल्डर दिखाई नहीं देगा, वो ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए जब मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जब चाह रहा हूं तो दिख रहा है, और जब नहीं चाहते हैं तो नहीं दिख रहा है। देखिए इस समय अब आपका फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, इस समय आप देखिए मेरा कर्सर देखिए दिख रहा है वहां पे, उस एरिया में आपको फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये होता है ना दिखाई देने वाला फोल्डर। फिलहाल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।